ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सरसत्त्वे विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ श्रीलक्ष्मीरमणे नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योमुक्ष्य मामृतात्। भूर्भुवस्व रों जूं सः हौं ॐ ॐ नमः शिवाय। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं रूं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। ओम नमः शिवाय। वायुर्जगदहरिः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम्। प्रातः काल के सूर्य के समान जिसके अंगों की कांति है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिसके युगल स्तन है, तीन नेत्रों से जो शोभित है, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखार विंद से शोभायमान है, अवय सुंदर वाले हाथों में जिसने वरदायक अंकुश पाठ पाश धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। भुवनेश्वरी, भुवन मतलब संसार, इस संसार की ईश्वरी माता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का बद्ध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणगतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सारे जगत की माता प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंगनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग में एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा कातिक रूप से अवस्थाओं को क्रम में बदल देने वाली विश्व के संघार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। आप सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो तीन नेत्रों वाली हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न आपके निकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कौमारी
रूप से मैं स्थित, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो, हे नारायणी नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए बाराह रूप धारिणी शिवे, नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक ऋषिंग का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्धमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट महा वज्र धारण धारिणी, भृतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्र शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाअविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती बरा ऐश्वर्य रूप पार्वती महाकाली संयमशीला सर्वस्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्वरूपा सर्वईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित है, अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। भद्रकाली, हे भद्रकाली सभी दिशाओं का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो, आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उसमें आपने अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति में जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण माता रूपी गढ़े में भटका रही है, जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ डावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीया हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोकों को वर दीजिए। देवी बोली हे शरणागत मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपासक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं
शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं की काफी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवतागण, वैश्वस्त अनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी दो और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी, गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नामक नाम घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। रक्त दंतिका जय दुर्गे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयो निजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा सताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर के उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय मुझे मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 फंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। ओम नमः चंडिकाय। द्वादशोध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ध्यानम्। बिजली की रेखा के समान कांति वाली सिंह के स्कंध पर विराजमान भयानक रूप तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए अनेक कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल वाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली अग्निमयी, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निःसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का बद्ध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होंगी, न प्रिय वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को, ताप मतलब दुख, मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहां मेरा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि, होत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं
निवृत्त हो जाएंगी और वह धन्य धान्य पुत्रादि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है, मनुष्यों से देखा हुआ बुरा स्वप्न भी सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पशु अर्ध धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने शिव ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चिता एवं हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने बद्ध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता जिसके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए कुछ पाताल में भाग गए। कौन? दैत्य। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य सर्व रूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के सर्व रूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय पर समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है।
वही सनातनी देवी समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है, मनुष्यों की उन्नति देवी में वही घर में बुद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। ओम नमः चंडिकाय हरि ओम, ओम नमः शिवाय हरि ओम।